उन्हें इनका मुकाबला करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रधान शंकर सिंह, यानी मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ और यहाँ का इस टाइम मौजूदा प्रधान भी हूँ। दोस्तों, हमारे में दो तीन कमी है, अगर सुधर जाए तो हम बहुत अच्छे और लायक इंसान हैं। वो कमी कौन सी है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे में तीन कमी है। पहली कमी शराब, और दूसरी कमी शराब, और तीसरी कमी दौलत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और एक दूसरे की जान ले। लेकिन दोस्तों, जब तक हम शराब नहीं पीते हैं कुछ नहीं होता है, और बाद शराब पीने के अगर मैं चाहूं तो खून की नदियों। हाँ दोस्तों, पहले शराब पीते हैं फिर बात कर रहे हैं। अब बड़ी गाय और अरे सरकार, हम तुम्हारे मोहरे पर खड़े रहा। हमारे मोहरे पर? हाँ भाई, गेट पर। जब तुम आवाज लगा तो हम कंठौर है खूब बोले, और चले हम आइए तुम आवाज है बैठे बोले। हम बोलने को मना नहीं करते हैं, लेकिन तुम ये साले भाषा कौन सी प्रयोग करते हो? ये सब देहाती भाषा। बैठा, कितनी बार हमने कहा है जब हम आवाज दिया करें तो बोला करो जी सरकार, जी सरकार। सरकार शाबाश। अब की ले लिया यार रे। नाउ नाउ, तुम साले कितने हरामी इंसान हो। बड़ी गार्ड, देखो तुम हमारे बहुत पुराने नौकर हो, बहुत वफादार और ईमानदार नौकर हो। और दूसरी बात तो यह है कि तुम हमारा दिल बहलाने वाली मशीन हो। कौन मशीन है? कहने का मतलब, हमारी ठाकुरान जब मैके चली जाती है तो हमारी सेवा सत्कार और देखभाल सब तू ही तो करता है। हाँ तो इतनी की बात करो, तुम मशीन बताओ मार के घबराए। या तो बात सही है, जब तुम्हारी ठाकुरानी मैके चली जाती है तो देखभाल तो हम करता ही है ना। देखो कभो कभो तुम्हारे कमरा पर आ जाए तो है 9-10 बजे रात के। यहाँ जब रात के तुम्हारे कमरा पर पहुँची थे तो देखो हम तुम्हारे तेल लगा खाने का इदा भी नहीं दी। हाथ का नाम पहले लिया कर, नहीं पहले लिया पाशा की तो लेता है। तुम साले कितने हाथ इन में थचाओगे नाला के ही। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू पुराना नौकर है, हमारे दिल की बात केवल तू जानता है। तो ये बताओ, इस टाइम हमारे दिल में क्या है और हमारा मूड इस टाइम क्या कर रहा है? अरे सरकार, जब हर समय आपके पास में रहता हूँ तो इतना तो जरूर जानता हूँ कि आपके दिल में है क्या। जानते हो इस समय तुम्हारे दिल में क्या है? इस समय तुम्हारे दिल में पथरी है, पथरी। आज हम तुम्हारा कमरा साफ कर रहे हैं, एक्सरा पारन देकर पथरी रहे। अबे वो एक्सरा किसी नौकर का होगा, शायद हमारे दिल की बात तो समझ नहीं पा रहा है। नहीं जाने। अगर नहीं समझ पा रहा है तो मैं तुझे बताता हूँ कि इस टाइम हमारे दिल में क्या है। क्या है इस टाइम हमारे दिल में? बस यही है कि जाओ लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, पहले लग जाने दो फिर बातें करना, मेरे लिए शराब लेकर जाओ। लेकिन ठहरो, शराब लाने से पहले एक बात और सुन ले। ये बात तो तू अच्छी तरीके से जानता है, हमारा जो दोस्त
बीड़ी से कामता प्रसाद है। हमें शराब पीने का मजा जब आता है, जब हमारा बीड़ी से कामता प्रसाद हमारे साथ होता है, तो पहले बीड़ी से कामता प्रसाद को बुलाओ, हम दोनों दोस्त एक साथ बैठकर शराब पिएंगे। बीड़ी से का फुलाई फुलाई वो साले कोई गुब्बारा है क्या है? उसको यहाँ पर हाजिर करो। गैर हाजिर करें? गैर हाजिर तो वो है ही है, उसको हाजिर करो। मतलब उसको यहाँ पर बुला करके लाओ। लाए के हटाई बुलाई, जब ले आओगे तो क्या बुलाओगे रे? नाला के तो उसके बाद फोन करो और कह दो कि हवेली पर बहुत जल्दी आ जाओ, तुम्हें प्रधान जी याद कर रहे हैं। तो अकेले खून करेगा? किसका खून करेगा रे? किसका खून करेगा? कामता, कामता, कामता। अब कह रहे फोन करो फोन। अरे मोबाइल ना है, तेल का साले बताया जो पेट्रोल ना है, ना लाएगी ये मोबाइल क्या होता है? मोबाइल बोला करो। खरीदे रहा ना तो उसका स्विच ऑफ हो गया है, तब है मैंने उसका लगता ही नहीं था। सरकार सरकार क्यों तो साला निरोध कह रहा है? निरोध कह रहा है, हम कई साला निरोध कह रहा है। 99 35 76 77 53 3 00 00। हेलो नमस्ते अम्मा, नमस्ते बड़को पाई लगी हो, ठीक हो? कहा घर चले? अरे घर ही सही थे, आई नहीं पाई भाई, कहा नहीं पाई भाई सही थे, ठाकुर साहब तो बराबर काम चल रहा है और तुम बेकार में हल्ला ली टुकड़ी सब लगा के बैठे, सब बेकार ही जाते हैं। हम जो दिन फोन करी बा उतने बड़ी हल्ला ली टुकड़ी लगा के बैठे, हम आई जाइबा इस सही थी कहो तो इस सही थे बिल्कुल ना आई पाई बा, क्योंकि इस सही थे प्रधान जी के साथ हम बराबर काम जारी है जारी। तुम जानते हो या के अक्षर में आईसीसी नंबर चला जाते हैं और जब घर का नंबर लग गया तो हम कल बात के लिए 60 पैसा तो ऐसे चले जाइए। अच्छा अच्छा, तो किससे बात करा था? वह का साले कुछ नाम है? हाँ वही। अच्छा अच्छा, इसका मतलब अपने पिताजी से बात करा था? आहा, वहे वही वहे। तो क्या अपनी माँ से बात करा था? वही। इसके अलावा साले कुछ और बोलोगे? अपनी औरतिया से बात करा था क्या? तो अपनी औरतिया को साले वह हुई बोलते हो? औरतें अपने पति को वह हुई बोलते हैं? कई मर्द लोग अपनी मेहरबान क्या कह रहा था कि उस टाइम बाहर पाएंगे? इसके अलावा कुछ और बोल रहे थे? और क्या बोल रहे हैं? कह रहा था कि हम इस टाइम आ नहीं पाएंगे क्योंकि इस टाइम ठाकुर साहब के साथ में बराबर काम चल रहा है। ठाकुर साहब के साथ में काम बराबर जारी है? क्या काम जारी है रे साले? कर रहा हुए क्या काम जारी है? चलो आज खेतों की तरफ चलेंगे और खेतों में देखेंगे क्या काम करने वाला क्या नहीं करने वाला। हाँ वो तो चलते हैं, तो साथ चलते नहीं चलते? हाँ, हो जाते हैं। जब दोनों जब खेत में पहुंचे थे तो देखो हम तहमत बिछाई दी थे। सही कहा है। अब जब तहमत बिछाई दी थे तो तुम चुपके लेटे रहते हो, अब हम बराबर काम करा करी थे। साले गुनिया का नाम पहले लिया कर। नहीं पहले ली तो बात तो लेता ही है ना। वाकई में? हाँ। हम बता रहे पहले ऐसी हरामी हो तो वो साला बता रहा हाँ। पता नहीं साले किस टाइम और कैसे साले तुम पैदा हो गए। यह बात हमारे यहाँ बुआ जानती है। हम कह रहे हैं बेड़ी सी कामता प्रसाद के पास फोन लगाओ, अगर अब किस बार गलत नंबर लगा तो इतने जूते मारूंगा जो होने वाली औलादें तक साले गंजी पैदा होंगी। नाला साला बदतमीज कमीना, कुत्ता गढ़ा साला उल्लू का पट्टा, इडियट कहीं का लगा फोन।
अंग्रेजी में करियावो तो नहीं जानी भाई थे हिंदी में करियावो दिल बुआ बहनी आपको ना रखी हरामी हम कम न हमारे लगे तुम्हारी फिराई लागत है अतना हरामी है जब यू आँखी लौटत तो मालूम दे मुतासा भाई सा छह सात महीना से नहीं करवाना और जब से क्या है नाम करी करें तो सलाई यूपी अल्लाह है या भगवान सही नंबर लाग जा चू 99 13 17 साले नंबर का नाम लेना तो सीखो साले 99 13 को बता रहे हो 99 13 14 14 को बता हम बता रहे हैं डायल करो नंबर 99 13 तेरी औकात क्या है हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात करने की दो चार हंटर क्या मार दिया तुम्हारे साले इतनी गुस्सा आ गई जो हमारे सामने गुस्से में बात करोगे इतनी ऊंची आवाज में बात करोगे तुम्हें नहीं मालूम है कि प्रधान शंकर सिंह के सामने ऊंची आवाज बोलने वाले की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देना क्योंकि मैं इस टाइम यहाँ का जमींदार भी हूँ मौजूदा प्रधान भी हूँ पहली बात तो मैं जात का छत्री हूँ हमारे सामने जो भी बात करना अदब के दायरे में रहकर और नीचे स्वर में बात करना नीचे स्वर में जी 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 नहीं हम तुम्हारी क्या बता रहे हो नहीं नंबर बताओ नंबर बताओ नहीं नहीं कुछ और बोल गया है नहीं नहीं यहाँ का नंबर बताओ डायल करो नंबर निन्ना तुम साले मोबाइल देख रहे हो हमारी सूरत देख रहे हो हम बताएंगे नौ तुम दबाओगे साले छे बोलो 99 13 1 1 7 साथ साथ का साले अकेले सात 14 14 एक तो तब पढ़े लिखे अब आएगा वह 14 14 हाँ आएगा 99 13 1 7 14 14 हेलो कौन बोल रहे हो हाजी साहब बाबा सलाम वालेकुम और कहा बाबा ठीक हो क्या बाबा एक बात बताओ कि नवचंदी कौन दिन पर रही है कहा मंगर कहीं अरे पूछ ही के माने तुम्हारा काम हो रहा है काम करा हुआ चद्दर का मन रहा तो सोच रहा चद्दर चढ़ा दी बा और साथ में काम और सोच रहा नहीं पड़ जाए और का काम सोच रहा चद्दर चढ़ाए के बाद साले ये कहाँ का नंबर लगा दिया रे देवा करी भाजी साहेब बाबा पत्ते हाजी साहब का नंबर लगाए थे अच्छा तो हाजी साहब से बात कर रहे थे हाँ नहाए कब से नहीं हो डेढ़ महीना भाई का डेढ़ महीने से साले नहाए नहीं हो बात कर रहे हो हाजी साहब से क्या पूछ रहे थे कि नवचंदी किस दिन पड़ेगी वो मंगल कहीं मंगल को पड़ती है कौन से पड़ते हैं नवचंदी हर महीने में जुमेरात को पड़ती है इसका मतलब बेफाई कहीं यार जुमेरात बेफाई बृहस्पतिवार गुरुवार बाद सब साले एक ही है अच्छा अच्छा लेकिन नवचंदी से तेरा मतलब क्या है मतलब तो है सरकार मतलब का हम चद्दर ईमाने रहने अच्छा अच्छा तो सोच रहे हैं चद्दर चढ़ा दी अब साथ में काम सोच रहे वह नहीं पड़ेगी और काम क्या है और का काम सोच रहे हैं चद्दर चढ़ाए के बाद अब्बा की मुसलमानी नौचंदी के दिन साले अब्बा की मुसलमानी करवाएगा और अपनी अम्मा का साले मुंडन कब करवाएगा रे और साले तल कौवे साले कहने की तमीज सीखो कहने की तमीज सीखो मुसलमान भाइयों के मजहब में अब्बा के नाम से कुर्बानी होती है तो तुम्हारा फोन बीडीसी के पास नहीं लगेगा लाग जी एक बात कान खोल करके सुन ले साले तल बुड़ के अगर अब इस बार गलत नंबर लगा तो ये हंटर देख रहे हो अब इधर से नहीं इधर से मारूंगा तो फिर करी आई थी करी आई लो चले अंग्रेजी ना जान भाई तलन करी आई लो और जो दिन जान जाए वह दिन बहने बहनी नहीं रखब हरामी कम हम हूँ ना चांस मिले वो अंग्रेजी हिंदी में करिया हुआ दिन जान जाओ
या भगवान सही नंबर लाग जाते 99-35 दिखाए दो छुआ लो हटाए लो टुन्नू टुन्नू। आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय कब्रिस्तान क्षेत्र के बाहर है। कौशाला कब्रिस्तान क्षेत्र के बाहर बताया रहा, साल लगाना पड़ेगा 73-88-26-11-84। हेलो नमस्ते नमस्ते। ऐसा है जल्दी से हवेली पे चले, आपको ठाकुर साहब याद कर रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा अच्छा नमस्कार नमस्कार। आ रही है बाजू हो, इसलिए क्योंकि हम यहाँ के मौजूदा प्रधान हैं और तुम हमारे बहुत ही खास बीडीसी हो। मेरे यार, हमारी तुम्हारी दोस्ती जब से हुई है ये हमारा नियम बन गया है, जब तक दोनों दोस्त एक साथ बैठकर शराब नहीं पीते हैं मजा नहीं आता है। और ये भी तुम अच्छी तरीके से जानते हो, हम जो भी काम सोचते हैं वो शराब पीने के बाद ही सोचते हैं। वो तो हम लोगों की हमेशा की आदत है ठाकुर। तो मेरे यार, आज को शराब पीने का मूड है, इसलिए मैं शराब पीना चाहता हूँ और तुम भी हमारे साथ में पियो। ठीक है ठाकुर। बॉडीगार्ड चेयर बढ़ाओ। अब तुम्हारे लिए काम है, हमारे दोनों दोस्तों के लिए बहुत जल्दी शराब लेकर जाओ। शराब लेगी दारू लेगी? शराब और होती है, दारू और होती है। दारू और शराब और होती है। शराब कौन होती है, दारू कौन होती है रे? शराब होते कच्ची, दारू होते पक्की। तुम साले बहुत हरामी इंसान हो, जो तुम्हारे समझ में आए वो लेकर जाओ। जब साले तुमको ठीक तरीके से हिंदी नहीं आती है तो क्यों इंग्लिश में बात करते हो? अबे साले, ये एक इंग्लिश शब्द है, इसको ऐसे बोला जाता है, प्रधान जी लीजिए और इसे नोच कीजिए। और तुम साले बता रहे हो ठाकुर साहब लीजिए इसे नोच लीजिए। जब साले देहाती बघैया हो, पढ़े लिखे नहीं, तुमको तमीज नहीं है, तो एकदम सीधी भाषा में ये कहा करो, प्रधान जी ये लो पियो। प्रधान जी फुटबॉल की तरह उड़ते हुए नजर आओगे। हाथ ऊपर उठाओ। तो साले हम हाथ उठाने की बात करें तो साले टांग उठा रहा है। मारे अगर मारे उस हाथ पर उठ ही नहीं रहा। ये सब पकड़ो। अरे ये बोला करो, ऐसे कहा करो, ये लो पकड़ो, यू लो पकड़ो। तुम सारे कुछ नहीं बोल पाओगे। हम लोगों ने इसको सर पर चढ़ा रखा है प्रधान जी, इसको थोड़ी छूट क्या दे देते हैं, ये सर पर सवार हो जाता है। कहाँ की बनी है रे? मेरे यार, तुम तो ये जानते हो, ये शराब ही हमारी जिंदगी और शराब ही हमारी दुल्हन है। शराब के बिना हम एक पल भी चल नहीं सकते, ये शराब हमारी जिंदगी का मकसद बन गई है।
हाँ प्रधान जी, आपके साथ में रहते रहते हमारी जिंदगी भी शराब बन गई है। बीच में लड़े की तरह हिने नहीं नहीं कर रहे हम दोनों दोस्त, हंसते तो सारा बीच में हिने नहीं कर ले लगता है। देखो हम दो लोग शराब पिएंगे तो अगर ऐसा ही खड़ा रहेगा तो नहीं मजा आएगा। तू भी डांट थोड़ी। नहीं बात का अब हम पीबा नहीं। क्यों अपना ही पीबा? आखिर क्या बात है? बात का है हम जय गुरुदेव हो गए। जय गुरुदेव हो गए? कब से हो गए हैं? 5 मिनट। 5 मिनट? 10 मिनट से तुम हमारे साथ में हो और 5 मिनट में तुम जय गुरुदेव में हो गए? हम अपने मन से हो गए हैं। मन से? अच्छा, अपने दिल में सोच लिया होगा कि अब हम जय गुरुदेव में हो गए। हाँ। ऐसे सोचने से कोई जय गुरुदेव में नहीं होता है। जय गुरुदेव में होने के लिए मथुरा जाकर के उमाकांत महाराज से मंत्र लेना पड़ता है। हाँ। उन्हें अपना गुरु बनाना पड़ता है, तब कोई जय गुरुदेव में होता था। बात या नहीं है? बात या है। जब कब हम पी पाई ली तुम्हारे अड़ंग बड़ंग ग्वार गिरे लगा था नाप सुना बकाई लगी देखो नहीं पी। यानी तुझे शराब बहुत जल्दी चढ़ जाती है तो टेंशन क्यों लेता है? अगर तुझे शराब चढ़ जाएगी तो शराब का नशा उतारने का हमको बहुत पुराना अभ्यास है। अच्छा, नशा चाहे भी जितना क्यों ना हो 2 मिनट के अंदर हम सारा नशा दूर कर देते हैं। क्या बात है? तो प्रधान जी तरीके देव फिर दारू दारू साले फरामी हो क्या? प्रधान जी पूरा नाखून से दियो क्या रे? क्या था? अबे साले हम इसमें की शराब पिलाएंगे या की अद्धा पोंछ देंगे रे? प्रधान जी आधा नाखून से दियो। तुम साले डरते क्यों? तब चाहे पूरा खून से दियो। देखो पूरे शरीर में लगाओ तो पूरे शरीर में व्यवस्थ होगी। अच्छा, अंदर डालो केवल पेट में दौड़ी दौड़ी घूमे फायदा क्या है? अच्छा, तो कौन शराब पीने का स्टाइल कोई तुमसे सीखे उसमें भी डाल थोड़ी। देखो बेटी जी ज्यादा मत देना, वही झाट भर दे दो। मैं साले झाट भर बोलो लेडी श्री कामता प्रसाद, एक बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। आप हुकुम कीजिए प्रधान जी। मेरी बात कुछ अलग और से सुनो। मेरे दोस्त तुम अच्छी तरीके से जानते हो, जब हम शराब के नशे में होते हैं तो हमारे दिमाग में सैकड़ों काली बिल्लियां नोचने लगती हैं और ये हमारा दिल कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगता है। शराब पीने के बाद हमेशा का नियम है, तुम तो जानते हो, जब हम शराब पीते हैं तो हमें कोई ना कोई कुंवारी गली चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, मेरी बात खुद गौर से सुनो। आप हुक्म कीजिए प्रधान जी। और पीकर मंजरा, पीकर मंजरा, दोस्त मर आज हुआ का प्रबंध करो, क्योंकि हम जब तक किसी जवानी से खिलवाड़ नहीं करते हैं हमारी शराब का नशा नहीं उतरता है। लेकिन मेरे दोस्त हम लोगों ने बहुत से गलत काम किए हैं। ना जाने कितनी लड़कियां आपकी खिदमत में मैंने पेश किया है ठाकुर साहब, लेकिन आप
मौजूदा प्रधान है और मैं मौजूदा बीडीसी हूँ। एक ऐसे इंसान के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो हम लोगों का वो काम करेगा, जरूर करेगा। वो कौन सा इंसान है मेरे यार? वो कौन सा इंसान है जो हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है और हमारे लिए लड़की का प्रबंध कर सकता है? ठाकुर साहब मेरी बात को जरा गौर से सुने। और हुक्म में जाए, हुक्म में जाए आपका और बंसी अपना यार। हुक्म बजाए आपका और बंसी अपना यार। ठाकुर साहब आखिर हम उस कुत्ते को किस दिन के लिए पाल रखे हैं? उसे अच्छे अच्छे वस्त्र हम किस लिए पहनाते हैं? आखिर वो हमारे किस काम आएगा? मेरे यार वाकई में तुमने बहुत अच्छी तदबीर सोचा है मेरे यार। हमारा दोस्त जो बंसी है वाकई में वो एक ऐसा इंसान है जो हमारे लिए अपनी जान दे सकता है और एक दूसरे की जान ले भी सकता है। ऐसे इंसानों की हम लोगों को अक्सर जरूरत पड़ा करती है। मेरे यार तुमने सही कहा है, वो बंसी हमारा दोस्त ऐसा है। तुम तो जानते हो कि हमारी कितनी खिलाफत ग्राम सभा में थी, लेकिन हमारा बंसी इतना कोहराम मचा दिया था हमारे नाम की और इतना दहशत फैला दिया था पूरे इलाके में। हर इंसान के दिल में उसने खौफ भर दिया था ताकि हर इंसान को वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ठाकुर साहब और हम तो बीटीसी का चुनाव बिल्कुल समझ लो हार गए थे, लेकिन अपना बंसिया अब एक तहलका मचा दिया, लोगों को डरा धमका करके मुझे 475 वोटों से जिता दिया। मैं दोस्त इन बातों को छोड़ो, हमारा ध्यान सिर्फ लड़की की तरफ है। और करो देर ना जल्दी, करो देर ना जल्दी। फोन करके उसे बुलाओ और बहुत जल्दी हमारे लिए लड़की का प्रबंध करो। आप परेशान क्यों होते हैं मेरे दोस्त? मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। और मेरे दोस्त बंसी, मेरे दोस्त बंसी को फौरन बुलाता। बंसियार बहुत कुछ कर सकता है, आपके कहने पर ना जाने कितने अनाप शनाप काम किए हैं। मेरे यार तो देर मत करो, बहुत जल्दी उसको यहाँ पर हाजिर करो। बॉडीगार्ड बहुत जल्द बंसी को हवेली में हाजिर करो। हेलो हेलो, हाँ बंसी मेरे दोस्त, ऐसा है जल्दी से हवेली पे चले आओ, आपके दोस्त प्रधान जी याद कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा ठीक आ रहे आ रहे। मेरे दोस्त हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं वो तो बाद में बताएंगे, इससे पहले हमारी जो तुम्हारी परंपरा पुरानी है पहले हम उस परंपरा को निभाएंगे फिर उसके बाद हम बताएंगे तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाए हैं। सुनो मेरी बात, और बुलवाया हूँ किस लिए और सुनिए मेरा रही। सबसे पहले बॉडीगार्ड हमारे दोस्त बंसी के लिए शराब का प्रबंध करो। प्रधान जी शराब का नाम लेते हो जुबान से पानी छूटने लगता है, क्योंकि दो दिन हम ससुराल क्या चले गए, लगता है एक साल से हमने शराब को हाथ नहीं लगाया है। अरे मेरे यार कहो तो पूरा मैखाना तुम्हारे नाम कर दूं। हमारी तुम्हारी दोस्ती इस ग्राम सभा के अंदर एक मिसाल बनकर रह गई है। क्या लोग हर लोग यही कहते हैं, हर इंसान की जुबान पर यही एक चर्चा रहती है कि बंसी और शंकर ये दोनों ऐसे दोस्त हैं जो बंसी प्रधान जी के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है और शंकर सिंह बंसी के लिए सब कुछ कर सकता है। हाँ प्रधान जी, अरे आज के इशारे पर बंसी अपनी जान दे देगा और एक दूसरे की जान ले लेगा। मेरे यार तुम्हारे पर नाज है और हमें घमंड है और हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। हम जानते हैं कि तुम हमारे ऐसे दोस्त हो जो हमारे लिए अपनी जान दे सकते हो और एक दूसरे की जान ले सकते हो। मेरे यार पहली बात तो यह है, दोस्ती तो बात अलग की है, मोर्चा हमारा तुम्हारा बराबरी का है ना। इसीलिए कहता हूं हम है तुम हो, न हम कम है न तुम कम हो, और पीले पीले ओ मरे राजा, पीले पीले ओ मरे राजा, पीले पीले ओ मरे जानू, पीले पीले ओ मरे राजा।
बर्बाद कर दे इसने ये सब गोलियां। का हो गया रे? तुमको क्या हो गया था? अरे हमारी मुंडी उड़ा देते तुम, इसने की सारी गोलियां साले उड़ा।